नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, फिर मैं नई रेसिपी के साथ आप लोग के सामने हाजिर हो गई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड के पकौड़े। ये रहा ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। ये रहा बॉयल, आलू को मसल दिया मैंने। उसके लिए मैंने लिया है नमक, मटर फ्राई कर लिया है, बेसन, धनिया पत्ता काट करके साफ कर लिया है, दो तीन हरी मिर्च काट लिया है, थोड़ी सी मैंने चावल का पाउडर लिया है पीसा हुआ, एक हल्दी का पाउडर लिया है, तो मैं डालूंगी एक चम्मच लाल मिर्च डालूंगी। करती हूँ बनाने। पहले मैं नमक डाल लेती हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, मैं अपने स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ। इसमें दो चम्मच मैं मटर डालूंगी, मटर फ्राई किया था मैंने, दो चम्मच ही डालूंगी। उसके बाद मैंने धनिया पत्ता काट के रखा था, इसमें डाल देती हूँ। हरी मिर्च काटा था, एक चम्मच लाल मिर्च ले रही हूँ, एक चम्मच नहीं आधा चम्मच है। आप लोग अगर ज़्यादा मिर्च खाते हो तो आप लोग डालें, नहीं तो हरा मिर्च तो ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है थोड़ी सी। फिर इसको मैं साफ हाथों से मसलूंगा। मसाला तैयार कर दिया। अब इसमें मैं डालूंगी बेसन, फिर डालूंगी ये चावल का आटा, थोड़ी सी इसमें आधी चम्मच मिर्ची डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी कलर के लिए। उसके बाद मैं इसका घोल बनाऊंगी। हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक। अब मैं ब्रेड निकालूंगी, इसको तिरछा काट लूंगी। इसमें डालूंगी आलू। इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। आप ब्रेकफास्ट में बनाए या आप डिनर में भी बना के खा करके सो सकते हैं। अगर कोई बैचलर है तो दो बनाएगा ब्रेड पकौड़ा और खा करके सो जाएगा। शाम को भी नाश्ते में बना सकते हैं चाय के साथ। ब्रेड पकौड़े में चावल के आटे जरूर डालें, उससे कुरकुरे होते हैं। खाली बेसन डालने से सॉफ्ट हो जाते हैं पकौड़े। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मेरा ब्रेड पकौड़ा तैयार है चटनी के साथ। हम लोग चटनी के साथ खाएंगे, आप लोग भी चटनी के साथ ही खाएं। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।